तो थोड़ा सॉलिट्री के लिए प्रोटेस्ट के लिए जो कर्नाटका में चल रहा है, जो हिजाब बैन के लिए है, हिजाब बैन के लिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा रिलीजन कहता है हमें पहनने के लिए। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है उसके मुताबिक भी हमारे को पूरा फ्रीडम और पूरा राइट है जो हमारा रिलीजन बोले वो पहनने का। आज वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिजाब ना पहने, क्या वो आगे जाकर ये कहेंगे कि सिख लोग टर्बन ना पहने या मुस्लिम लोग उनका तिलक ना पहने या क्रिश्चियन लोग के हेडवेयर्स ना पहने, क्या ये कहेंगे? नहीं, बट हम वो आज कह रहे हैं हमारा हक है एजुकेशन लेने का। सिर्फ हमारे एक क्लॉथ की वजह से हमारे एजुकेशन लेने के लिए इंस्टीट्यूट में एंटर नहीं होने दे रहे। 2 महीने में वहाँ पर एग्जाम है, वो लड़कियाँ क्या करेंगे? क्या बोल रहे? कॉन्स्टिट्यूशन मत फॉलो करो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ कर रहा है हमें हिजाब पहनने का। हम क्या पहनते हैं, हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम क्या प्रीच करते हैं, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनो तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो लड़कियां आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डोर्स बंद कर दे रहे लड़कियों पे, ये इट्स लाइक डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर अ वुमेन।